हम अक्सर धातुओं और पानी के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के महत्व के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अलग अलग धातुओं का पानी के साथ अभिक्रियाओं का होना उनकी अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। जिस बारे में यहाँ पे हमने अभी बात की है उसे समझने के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा। हम एक एक करके अलग अलग ग्रुप्स को लेंगे। पहले ग्रुप में अल्कली मेटल्स होते हैं जो ठंडे पानी से बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। मेटल्स के एटम पानी के अणु से हाइड्रोजन को हटा के मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे वाटर के एक बीकर में लिथियम मेटल का रिएक्शन हो रहा है। ध्यान दीजिए कि किस तरह मेटल पानी की सतह पर तैर रहा है और इसके गायब होने तक कैसे धीरे धीरे गैस निकलती है। ऐसे न समझें कि यह गजब हो गया है। हालांकि एटम्स गायब नहीं होते हैं, वो लिथियम प्लस प्लस, Li प्लस प्लस और OH आयंस बना लेते हैं जो सोल्यूशन में घुल जाते हैं, जिससे सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। आप इसकी जांच यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसका रंग कैसा हो जाएगा? आंसर है ब्लू या पर्पल हो जाएगा। ये सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यदि आपको इस ग्रुप का रिएक्टिविटी ट्रेंड पता है तो पोटेशियम मेटल का पानी के साथ रिएक्शन बताइए। वीडियो रोक के इस पे विचार करें और फिर वीडियो शुरू करें। वेल, केमिकल इक्वेशन लगभग वैसा ही रहेगा, लेकिन रिएक्शन एक बार बहुत तेज होगी। इसका कारण यह है कि पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हीट निकलती है, इसीलिए इस रिएक्शन में मेटल खुद जलने लगता है। अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो इसमें अल्कली अर्थ मेटल्स होती हैं। इसमें चीजें थोड़ा अलग होती हैं। इस ग्रुप में टॉप की मेटल्स जैसे बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसके ठीक नीचे की मेटल मैग्नीशियम वाटर के साथ बहुत कम रिएक्ट करती है। ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे एलिमेंट्स की अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाती है। कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम पानी के साथ अभिक्रिया करके अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। पानी के साथ इनकी अभिक्रिया अल्कली मेटल्स की अपेक्षा धीमे होती है। अगर हम स्ट्रॉन्शियम मेटल को पानी के बीकर में डालें तो ये बीकर की तली में बैठ जाएगा। पानी की सतह पे हमें हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बुलबुले दिखाई पड़ेंगे। इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है। आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी सफेद अवक्षेप भी दिख सकता है। ये सॉलिड स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ग्रुप वन से थोड़ा अलग ग्रुप टू में बना हाइड्रोक्साइड वाटर में आंशिक रूप से घुलनशील होता है और सामान्यतः जब अभिक्रिया होती है तो ये ठोस अवस्था में होता है। धातुओं की सतह पे सॉलिड हाइड्रोक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी संरक्षक परत बन जाती है, जिससे अभिक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन सोल्यूशन अभी भी बेसिक ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ फ्री OH आयंस होते हैं। इंडस्ट्रीज में मेटल हाइड्रोक्साइड के कई इस्तेमाल होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल ग्रीस बनाने में किया जाता है। ये पानी को स्ट्रॉन्गली रिपेल करती है। स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल शुगर बीट क्रॉप से टेबल शुगर बनाने में किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रीज में आपने कभी भी शुद्ध धातुओं को जल से अभिक्रिया करा के हाइड्रोक्साइड बनाते हुए नहीं देखा होगा। इसकी अपेक्षा मेटल के सॉल्ट से स्टार्ट करना अच्छा होता है क्योंकि ये बनाने में आसान है और सस्ता भी है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के बनाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। आइए अब उन धातुओं पे विचार करते हैं जो ग्रुप वन और टू में नहीं है। अपनी शुद्ध अवस्था में ट्रांजिशन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। उन्हें सोल्यूबल आयन बनने के लिए कम से कम दो इलेक्ट्रॉन्स हटाने होंगे और इसके लिए आवश्यक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बॉर्डर के एलिमेंट्स जैसे टिन और लेड वाटर से रिएक्ट नहीं करती। आयरन कैंस पे पिघली हुई टिन की लेयर चढ़ाते हैं। इससे कैन के अंदर रखी गई वाटर कंटेनिंग चीजें आयरन से रिएक्ट नहीं करती। एल्यूमिनियम एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। प्योर मेटल पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाता है। ग्रुप टू के हाइड्रोक्साइड्स की तरह इसमें भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिससे आगे रिएक्शन रुक जाती है।